जिन टीवी न्यूज़ भगवान गणेश की आराधना के साथ नवलख किशोर रामलीला बजरिया का फीता काटकर किया शुभारंभ। जनपद चलौन के कोंच नगर में एक माह तक चलने वाली रामलीला का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री दया शंकर वर्मा और सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने संयुक्त फीता काटकर दीप जलाकर किया। सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन कर आरती उतारी, उसके बाद फीता काटकर उद्घाटन किया। पिछले करीब 70 सालों से निरंतर चली आ रही यह रामलीला दीपावली के 5 दिन बाद शुरू होती है और 15 दिन तक चलती है। दिलचस्प बात यह है कि इस रामलीला में मंचन करने वाले कलाकार स्थानीय होते हैं और निस्वार्थ भाव से निशुल्क अभिनय करते हैं। खासकर बच्चों में इस रामलीला को लेकर विशेष उत्साह रहता है, क्योंकि उन्हें रामलीला में अभिनय करने का मौका मिलता है और प्रशंसा होती है। इस अवसर पर सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि रामलीला मंचन से धार्मिक परंपराओं का निवारण होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत रामलीला को न केवल आगे बढ़ाते रहना चाहिए, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को उनके चरित्र के बारे में बताना चाहिए, ताकि वह संस्कारवान बनकर इस देश और समाज के प्रति अपने दिव्यत्व को समझा सके। वहीं पूर्व विधायक दया शंकर वर्मा ने कहा कि भगवान राम ने कमजोरों और तिरस्कृत लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। इस मौके पर आए हुए अतिथियों का रामलीला समिति के अध्यक्ष दंगल यादव, विहिप नगर अध्यक्ष सकेश शांडलिया, सभासद मनोज मोर, अवधेश पटेल ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रझाण महासभा के संस्थापक सर्वचरण वाजपेयी, रमेश तिवारी विधायक प्रतिनिधि, सुनील कांत तिवारी, राजा तिवारी, अजय तिवारी, लला वाजपेयी, सकेत मिश्रा, पिंकेश शुक्ला, शिवांग डुबे, अमरेंद्र डुबे, हर्षित डुबे, पवन खिलाड़ी, सुशील तुरवार, नरेश वर्मा, मनीष नगरिया, शशांक श्रीवास्तव, संचालन राजेंद्र डुबे ने कहा। ब्रजेश कुमार बादल, चंदबद चलौन, उत्तर प्रदेश की खास रिपोर्ट। मंत्री के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। उनका माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करें। इसी श्रृंखला में अवधेश पटेल नगर मंत्री विश्व पर्सन और स्वागत की श्रृंखला को मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। और सर्वप्रथम इस वर्ष जो रामलीला समिति के आयोजन पालन होगा हमारे अतिथिगणों के द्वारा, ये फीता काटने का क्रम चलेगा। ऐसे ही और भी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले।